हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अपने को भाग्य पे भरोसा रखना चाहिए या कर्म पे, क्योंकि कई बार ऐसा सुनने को मिलता है कि भाग्य का लिखा कोई नहीं बदल सकता, जो लिखा है वो तो होगा ही। तो इस चीज़ को मैं मानती हूँ कि ये चीज़ गलत है, क्योंकि कर्म जो आप करते हो उस कर्म पे सब कुछ निर्धारित रहता है कि आपका भाग्य जो है, आपकी किस्मत में क्या लिखा है, आपके भाग्य में क्या लिखा है। आपकी किस्मत बदल सकती है जब आपके कर्म जो है वो एकदम सही होंगे, मतलब आप मेहनत करके कर्म करते हो, कोई काम है जिसमें आप पूरी मेहनत लगा रहे हो और आप अपना 100% दे रहे हो, तो उसमें आपकी जो किस्मत है, भाग्य है, ये कुछ नहीं कर सकते। आपका कर्म सही होगा तो आपका भाग्य भी आपका ही साथ देगा। ये नहीं है कि आप कर्म किए जा रहे हो और भाग्य आपका साथ नहीं देता, दोनों तरफ होगा। अगर ऐसा है कि 50% कर्म अपना काम कर रहे हैं तो भाग्य का लिखा भी 50% काम करेगा। अगर आपके कर्म ही दुष्कर्मों में है तो भाग्य तो कहाँ से ही साथ देगा। आप मेहनत करके कुछ कमाते हो तो ये चीज़ की गारंटी है कि वो चीज़ आपसे दूर नहीं जाएगी। आप कमा रहे हो तो उतना पैसा आपके पास रहेगा, पर अगर आप कैसे भी ऐसे शॉर्टकट का रास्ता ढूंढते हो कि नहीं चलो मेरे को ये चीज़ जल्दी से ख़त्म करनी है, तो वो चीज़ तो कहाँ से टिकेगी, वो बस टेम्पररी होती है, वो कभी भी आ सकती है कभी भी जा सकती है। तो इसमें आप ये नहीं कह सकते कि मेरा भाग्य खराब था, मैंने तो सही काम किया था पर मेरा भाग्य खराब था, मेरे भाग्य में, मेरी किस्मत में ये चीज़ लिखी ही नहीं थी। तो कर्म अगर आप करोगे, अच्छे कर्म करोगे, मेहनत करोगे, उस चीज़ को पाने की अगर लगन रखोगे अपने अंदर, तो भाग्य अपने आप आपका साथ देगा। कहीं 1-2% भाग्य की भी चूक हो जाए तो आपका कर्म तो है, आप कर्म तो जी जान से कर ही रहे, वो चीज़ आपको कैसे भी मिल ही जाएगी। तो सारी चीज़ ऐसे भाग्य पे मत छोड़ो कि मेरे भाग्य में यही लिखा हुआ है, मेरी किस्मत में तो यही चीज़ लिखी हुई है। विश्वास रखो अपने कर्म पे, अच्छे कर्म करो, प्रभु का नाम लो और अपने काम में 100% अपना बेस्ट दो, तो अपने आप भाग्य जो है वो आपकी सपोर्ट में ही आ जाएगा। आपकी जो है मतलब लाइफ चेंज हो जाएगी, काम करोगे, मेहनत करोगे तो आपको सफलता ज़रूर प्राप्त होगी। थैंक यू।